नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। देश इस समय भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे करने का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पे अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने को कहा है। इसके लिए 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहरा करके इस आंदोलन का हिस्सा बना जा सकता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को 2 अगस्त यानी कि आज से 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रोफाइल को तिरंगा लगाने का आग्रह किया है अपने प्रोफाइल में। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तिरंगे को देख करके मन में राष्ट्रप्रेम की भावना उमड़ पड़ती है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। समय के साथ उसमें बहुत सारे फेरबदल हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत का झंडा कुल 6 बार बदला जा चुका है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कब कब और क्यों क्यों हमारा राष्ट्रीय ध्वज बदला। राष्ट्रीय ध्वज देश की शान है, आन है, बान है। जब भी लहराता है तो तिरंगा देखते ही मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। भारत का झंडा देश के लोगों के बीच एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है। अनगिनत बलिदानों, त्याग और एक लंबी लड़ाई के बाद हमारा देश अपने वैश्विक सत्ता की जकड़ से आजाद हुआ था, जिसमें देश का ध्वज थामकर लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी वीडियो देखिएगा। और एक बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप इसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, सभी के साथ इसको शेयर कीजिए। तो मैं बात कर रही थी अपने राष्ट्रीय ध्वज की। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो मौजूदा स्वरूप है, इससे पहले ये कई चरणों से गुजरा है। 1921 की बात करूँ तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अपने एक झंडे की बात कही, जिसके बाद पिंगली वेंकैया ने झंडे का डिजाइन बनाया। उस झंडे को देश के 2 सबसे बड़े धार्मिक समुदायों, हिंदू और मुसलमान को दर्शाते लाल और हरे रंग के साथ बनाया गया था। बाद में इस झंडे में थोड़ा सा बदलाव किया गया, लाल के स्थान पे केसरी रंग जोड़ दिया गया और राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप की कल्पना पिंगली वेंकैया ने ही की थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए 1931 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के वर्तमान संयोजन वाले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। हालांकि वह ध्वज इस मामले में थोड़ा सा अलग था, जो आज की तारीख में जो ध्वज हम फहराते हैं उसमें अशोक चक्र की जगह महात्मा गांधी का सूत काटने वाला चरखा बना हुआ था। चरखा जहाँ स्वदेशी के संदेश के साथ देश के गरीब और हस्तशिल्पियों का रिप्रेजेंटेशन करता था, वहीं गांधी जी के अहिंसात्मक स्वतंत्रता आंदोलन का एक महान प्रतीक भी था। इसी झंडे के विकसित रूप को हम भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के रूप में देखते हैं। 1931 में फहराए गए ध्वज में जहां सूत का चरखा था, वहीं वर्तमान ध्वज में उसकी जगह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में बने चक्र को लिया गया, जिसके अंदर 24 तीलियां बनी हुई हैं और राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 में संविधान की सभा में इसको अपनाया गया और इस तरीके से ये देश का राष्ट्रीय ध्वज बना। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये 6 बार इसमें चेंजेस हुए और इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, लेकिन वो सब बदलाव जो थे वो देश प्रेम के प्रतीक बदलाव थे। और इस समय
इस समय हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया स्लोगन दिया है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। इस अभियान से जुड़ने के लिए इसके पीछे जो उनकी सोच है, उस सोच को एक आंदोलन का रूप देना चाहिए, ताकि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्यार करते हुए एक शक्ति का प्रतीक बने। बहुत सारे बदलाव इसमें हुए हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में तेजी के साथ जब आए दिन इसमें बदलाव होते रहे। 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया झंडा फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसके साथ ही इसमें सप्त ऋषि को दर्शाते हुए 7 तारे, अर्ध चंद्र और सितारे थे। और बाई साइड के कोने में यूनियन जैक था इस झंडे में। आगे चल करके इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको, चरखे का भी चित्र था। और फाइनली जो हमारा ध्वज है आज, उसमें जो उसका स्वरूप है, मैं समझती हूँ आने वाले दिनों में यही स्वरूप हमारे साथ रहेगा। दोस्तों, ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये सच में मेरे को इसके बारे में बोलते हुए अंदर से बहुत जोश की फीलिंग हो रही है। बहुत इस फीलिंग को बयान नहीं किया जा सकता। सच में ये हमारे अंदर एक राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत एक भावना का संचार करती है, जिस समय हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपसे शुरुआत में भी रिक्वेस्ट की थी, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो वीडियो है, आप इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको इसके बदलाव के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में सब कुछ पता चले। फिलहाल इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।